वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर रिटेल स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते 4.35 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है फ्यूचर रिटेल स्टॉक। यानी कि देखा जाए तो आज देख सकते फ्यूचर रिटेल में फिर से एक गिरावट देखने को मिले, फिर से लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है फ्यूचर रिटेल में और नया 52-week लो भी यहाँ पे देखने को मिला है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड स्टॉक के अंदर। 4.35 पे रिसेंटली वही पे 52-week लो देखने को मिला है, यानी कि 20 पैसे 4.40% की गिरावट। जैसे कि आज ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ पे लोअर सर्किट लग चुका था स्टॉक को यहाँ पे 4.35 लेवल पे, जो उसी लेवल पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। मार्केट कैप में भी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला, 235 करोड़ के करीब मार्केट कैप आती हुई नजर आ चुकी है फ्यूचर रिटेल की। पिछले 5 दिनों में तो देख सकते तकरीबन 21% से ज्यादा गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के। तो देखा जाए तो आज के दिन का वॉल्यूम भी देख सकते हो, जैसे कि 10 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर, यानी कि ट्रेडेड वैल्यू जो है 44 लाख की देखने को मिले। तो देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे जो अना 52-week लो जो है 4.35 का यहाँ पे देखने को मिला है आज फिर से एक बार। तो बाइंग के लिए एक भी क्वांटिटी नहीं, पर सेलिंग के लिए 62 लाख से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है। तो देख सकते कि चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो आज फिर से नया 52-week लो बना चुका है। Q1 के अर्निंग्स यहाँ पे सामने आ जाएंगे कल के दिन में, तो यहाँ पे देखा जाए तो उसके पहले बहुत सी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। तो फिर से हमने बात की थी कि 4 लेवल तक जा सकता है स्टॉक, यहाँ पे 4.35 पे आज गिरावट क्लोजिंग देता हुआ नजर आ सकता है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर रिटेल स्टॉक के लिए।